हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स में जो डिजेनरेसी होता है उसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, यानी उसमें कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये मैंने क्वांटम मैकेनिक्स से ये टॉपिक लिया हुआ है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या जो एमएससी में हैं, बीएससी में हैं या नेट जेआरएफ गेट की प्रिपरेशन करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में मैं जो थ्री डायमेंशन क्यूबिक एंड क्यूबाइड थ्री डायमेंशन में होता है, तो यहाँ मैं क्यूबिक का जो एनर्जी होता है उसके यानी कितने डिजेनरेसी होते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, और एनर्जी ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है डिजेनरेसी। तो डिजेनरेसी कैसे निकालते हैं, डिजेनरेसी किसे कहते हैं, डिफरेंट वैल्यू एन एक्स एन वाई एन जेड के अलग अलग वैल्यू रखने पर सेम एनर्जी मिलती है, उसे डिजेनरेसी कहते हैं। तो जो एनर्जी होती है क्यूबिक के लिए, वो एनर्जी है ईच इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। ए यहाँ साइड है, क्यूबिक के लिए तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो साइड को ए से लिया गया है। तो जो एनर्जी फार्मूला होता है ईच इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर कोष्टक में एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। एन एन एक्स एक्स कोऑर्डिनेट में क्वांटम नंबर है, एन वाई वाई कोऑर्डिनेट में क्वांटम नंबर है, एन जेड जेड एक्सिस में क्वांटम नंबर है। और यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि जो ई वन है वो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर है एनर्जी, जो ग्राउंड स्टेट में, यानी ई वन की वैल्यू हम ले लिए पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। और जो एनर्जी होती है क्यूबिक के लिए थ्री डायमेंशनल बॉक्स के लिए, जो क्यूबिक के लिए एनर्जी होती है इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर कोष्टक में एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो इसको हम डिजेनरेसी निकालेंगे, यानी एन एक्स एन वाई एन जेड की अलग अलग वैल्यू रखने पर अगर हमको सेम एनर्जी मिलती है तो उसकी वो डिजेनरेसी होगी। और एन एक्स एन वाई एन जेड के कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं कि सेम एनर्जी मिले, तो उतने ही उसकी डिजेनरेसी हो जाएगी। तो यहाँ हम एन एक्स एन वाई एन जेड यहाँ तीनों की वैल्यू वन वन रखते हैं, तो हमें एनर्जी मिली थ्री पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। और यहाँ पर हमने ई वन को पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर लिया है, तो ई अपॉन ई वन यहाँ पर थ्री आ जाएगा। तो ये मिनिमम एनर्जी होगी, यानी एन एक्स की वैल्यू हम वन से कम नहीं ले सकते हैं, एन वाई की वैल्यू कम वन से कम नहीं ले सकते हैं, एन जेड की वैल्यू वन से कम नहीं ले सकते हैं, वन टू थ्री इसके आगे कुछ भी ले सकते हैं। तो यानी सबसे कम एनर्जी मिली हमको, सबसे कम मिली, इसलिए इसको हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कहते हैं, या तो फिर इसको मिनिमम एनर्जी कहते हैं। यानी इसको हम या तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बोल सकते हैं या तो मिनिमम एनर्जी बोल सकते हैं। अब हम सेकेंड रखते हैं, एन एक्स की वैल्यू हम टू लेते हैं, एन वाई की वैल्यू वन लेते हैं, एन जेड की वैल्यू वन लेते हैं, तो टू वन वन इसको रखेंगे इसी फार्मूला पे, एन एक्स की वैल्यू टू रखेंगे, एन वाई की वैल्यू वन रखेंगे, एन जेड की वैल्यू वन रखेंगे, तो जो हमें एनर्जी मिलेगी इस फार्मूले से रख के हमको एनर्जी मिलेगी सिक्स पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ई अपॉन ई वन की वैल्यू यहाँ पे सिक्स मिलेगी, यानी सबसे कम तो हमारी ये ऊपर वाली थी थ्री पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, इसके बाद जो एनर्जी मिलेगी हमको वो सिक्स पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर मिलेगी। ये ऊपर वाली हमारी थी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी थी, उसके बाद हमारी ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी। तो यहाँ हम एन एक्स की वैल्यू अगर वन लेते हैं, एन वाई की वैल्यू दो लेते हैं, एन जेड की वैल्यू वन लेते हैं, तब भी हमको सेम एनर्जी मिलेगी। अगर यहाँ इसी फार्मूला में हम अगर एन एक्स की वैल्यू वन लेते हैं, एन वाई की वैल्यू भी वन लेते हैं, एन जेड की वैल्यू टू ले लेते हैं, तब भी हमको सिक्स पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर ही एनर्जी मिलेगी। यानी हमको एन एक्स एन वाई एन जेड के तीन डिफरेंट वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तब हमको सेम ही वैल्यू मिलती है। तो ये हमारी यहाँ पर डिजेनरेसी जो होगी वो थ्री होगी। तो फर्स्ट स्टैटिक स्टेट में जो हमारी डिजेनरेसी है वो थ्री होती है थ्री डायमेंशन क्यूबिक बॉक्स के लिए। इसी तरह हम इसके एन एक्स एन वाई एन जेड की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, सबसे कम जो एनर्जी होगी वो ग्राउंड स्टेट की होगी, जो उसके बाद की होगी फर्स्ट होगी, सेकेंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, सिक्स्थ होगी। इसी तरह अगर हम एन एक्स की वैल्यू टू लेते हैं, एन वाई की वैल्यू टू लेते हैं, एन जेड की वैल्यू वन लेते हैं, तो यहाँ एन एक्स एन वाई एन जेड की हम फिर से वैल्यू तीन तरीके से ले सकते हैं, टू टू वन, वन टू टू, टू वन वन, तीन तरीके से हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें एनर्जी मिलेगी नाइन पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर। तो यहाँ ई अपॉन ई वन की जो रेशियो आएगी वो नाइन आ जाएगी। तो हमारी ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी वो नाइन पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, इसकी डिजेनरेसी थ्री होगी। इसी तरह हम निकाल सकते हैं थ्री वन वन रख कर, इसको इसके भी तीन तरीके होंगे, तो हमें एनर्जी मिलेगी इलेवन पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम ए स्क्वायर, ये हमारी थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी। इसी तरह हम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालेंगे, इसके लिए डिजेनरेसी वन ही होगी। यानी हम सिर्फ एन एक्स एन वाई एन जेड तीनों की वैल्यू टू लेंगे तो हमको फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मिलेगी, और एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू सिर्फ दो 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 लेंगे, दूसरी तरह से नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डिजेनरेसी वन ही होगी। इसी तरह हम फिफ्थ निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर सिक्स निकाल सकते हैं, यानी क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक ही पूछता है बस, इसके
यानी आगे क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक। BHU में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि थ्री डायमेंशन क्यूबिक बॉक्स के लिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होगी 6π² h² 2m² ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इससे पूछ ले जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।